अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन कढ़ाई रेसिपी। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg मेरे पास मटन है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। साथ ही मैंने इसके साथ लिया है 2 चम्मच जो है मैंने इसके साथ लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच जो है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है कश्मीरी, और 1 चम्मच मेरे पास जो है वो हल्दी है, हल्दी पाउडर लेंगे 1 चम्मच। और साथ ही मेरे पास जो है मिक्स गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा है, 8-10 जो है मेरे पास काली मिर्च है, और इसके साथ ही दालचीनी है 2-3 टुकड़े, और ये जो है मैं गार्निश के लिए लूँगी हरी मिर्च है 2-3 अदद, और ये कड़ी लीव्स हैं और हरा धनिया है। साथ ही मैंने इसके लिए है 2 बड़े चम्मच कढ़ाई मसाला होममेड, और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं पिसा हुआ खोपरा, और नमक आप अपने हिसाब से ज़रूरत लें। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच भरकर, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है इसलिए मैंने यहाँ पर नमक कम रखा है। साथ ही 1 बड़ा प्याला जो है मैं भरकर इसके अंदर दही ऐड करूँगी, और मैंने टमाटर जो है 1/2 kg मैंने इसमें डाल दिए हैं गर्म पानी में। इसका मैं स्किन उतार लूँगी, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने पीसा नहीं है, मैंने स्किन उतार लूँगी इसकी। मैं स्किन उतरने के बाद जो है वो ऑलरेडी जैसे पीसे हुए होते हैं वो उसी फॉर्म में आ जाएंगे, आप चाहे तो पीस लें, मैंने यहाँ पीसे नहीं है, मैंने इस तरह यूज़ किए हैं। और साथ ही मैंने इसके लिया है 1 कप भरकर जो है ऑयल लिया है, ये इस मेजरमेंट से मैंने लिया है, आपको दिखा दिया है जो चाय का कप होता है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है अपना मटन, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी इसमें, और साथ ही अपने सारे मसाले डाल दूँगी जिसमें ये होममेड कढ़ाई मसाला है, और पिसा हुआ नारियल है, और नमक है। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और साथ ही इसके अंदर मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। वो मसाले वाली मेरे से मिस हो गई थी तो मैंने आपको बता दिया है, मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे हल्दी मिर्च वगैरह वो सब मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, सब हम साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। जी तो यहाँ मैंने अपने जो मसाले थे वो डाल दिए हैं सारे, वो स्किप हो गए हैं मुझसे तो वो मैं बना नहीं सकी। इनको अच्छे से भून लेंगे, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने टमाटर प्यूरी, जो कि मैंने टमाटर का जो स्किन है वो छील लिया था, तो ठंडे होने के बाद जो है वो प्यूरी टाइप ही बन जाता है, तो मैंने वो प्यूरी जो है वो ऐसे डाल दी है। इसको मैंने ढककर पकाया था 10 मिनट के लिए, वो सब पानी टमाटर ने अपना छोड़ा है वो उसके अंदर ही भून रहे हैं, और अच्छे से हम इसको भून लेंगे। यहाँ मैंने अपनी हरी मिर्च भी ऐड करी है इसके साथ पकते हुए। हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया है, ठंडा पानी यूज़ नहीं किया, नीम गर्म पानी डालकर जो है 1 गिलास वो मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। ढककर पकाएंगे हम इसे जी, तो 10 मिनट पकने के बाद जो है इसका ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। मैं आपको दिखा दूँ इसका मसाला भी, और ये जो है वो शोरबा टाइप है, अभी आप अपने मर्जी से रख सकते हैं शोरबा टाइप या बना हुआ। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊँगी।
और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरा धनिया अपना और हरी मिर्चें। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।